हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्टडी ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में। आज हमने प्रश्न उठाया है, स्टडी ट्रेनिंग यानी स्टूडेंट ट्रेनिंग क्या है, यह क्यों जरूरी है। इसके जवाब की ओर चलते हैं। पिछली बार हमने साइकिल ट्रेनर देखा था, नासमझी की वजह से एक बच्चे की जान ले लिया था। तो आज स्टडी ट्रेनिंग या स्टूडेंट ट्रेनिंग क्या है, तो इस प्रश्न का जवाब बताने से पहले पिछले कहानी के प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि उसे साइकिल चलाना नहीं आता था। मेरा अगला सवाल है, क्यों नहीं आता था? क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया था, परंतु वह तो हर रोज सीखने जाता था। शायद वह सीखने से ज्यादा दिखने जाता था या दिखाने जाता था, कैसे कह सकते हैं। तो सुनिए, ट्रेनिंग के शुरुआत से चलते हैं। पहला दिन साइकिल ट्रेनर ने, चूंकि ओलंपिक विजेता था, अपना डंका कैसे ना पीटता, उसने साइकिल पकड़ी और बच्चों को फील्ड में एक बेंच पर बैठा दिया और अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया। कभी जोर से चलाता, कभी धीरे चलाता, कभी एक चक्के पर खड़ा कर देता। बच्चों को भी मजा आने लगा। यह एक दिन की कहानी होती तो शायद बच्चे की मृत्यु नहीं होती, परंतु शायद वर्ष भर यही हुआ। बच्चे साइकिल देखे, साइकिल चलाते ट्रेनर देखे, परंतु शायद कभी भी खुद से साइकिल पकड़ा नहीं। इसलिए सीखना तो दूर, वह तो साइकिल बुलाना भी टहलाना भी नहीं सीखा होगा। अब बताइए, उसके साइकिल ना सीखने का दोषी कौन था? उसकी मृत्यु किस्मत थी या मर्डर था? उसमें गलती किसकी थी? मैंने अपने दूसरे प्रश्न का जवाब दे दिया हूं। यहां उसके सिखाने की प्रक्रिया आज के शिक्षण पद्धति को निर्देशित करता है, जहां किताबें विद्यार्थी नहीं शिक्षक पढ़ते रहते हैं, मेहनत विद्यार्थी नहीं शिक्षक करते रहते हैं। विद्यार्थी तो बस वर्ग के किसी बेंच पर बैठकर शिक्षक के सर्कस का आनंद लेते रहते हैं, जिसका परिणाम बोर्ड और कंपार्टमेंटल में फेल होकर चुकाना पड़ता है। पढ़ाना क्या चाहिए, किताबें या जिंदगी? आप हमें बताएं, पढ़ना किसे चाहिए, विद्यार्थी को या शिक्षक को? शिक्षक को क्या सिखाना चाहिए, पढ़ना या देखना? कुछ सवाल जो इस समय की मांग है, गार्जियन पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा, विद्यार्थी पूछ रहे हैं हमारा भविष्य कैसा होगा, शिक्षक पूछ रहे हैं हमें क्या करना होगा। सवाल चाहे जितने हो, जवाब एक ही है, आपको खुद के लिए तैयार करना होगा। अतः आपको स्टडी ट्रेनिंग करना होगा। हमारा अगला है, स्टडी ट्रेनिंग कहाँ करें? यह आप घर बैठे भी कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, या आप अपने नज़दीकी स्टडी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर भी कर सकते हैं, या किताब में बताए गए नियमों का पालन करके भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ सनी सर से जुड़ जाएं, आप हमारे WhatsApp से जुड़ जाएं स्टडी विथ सनी सर से, और आप हमारे Facebook सनी सानिया से या स्टडी विथ सनी सर ग्रुप से जुड़े, या आप किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, ये सारे जगहों से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि स्टडी ट्रेनिंग किस रूप में किया जा सकता है। और नहीं तो आप इसी ग्रुप में बने रहें, आपको स्टडी ट्रेनिंग के पार्ट बाइज पार्ट ऑडियो वर्जन्स के तौर पे थियोरी क्लासेस आपको दिए जाएंगे। आप इसके प्रैक्टिकल वर्जन्स के लिए यूट्यूब के पे स्टडी विथ सनी सर बिहार बोर्ड सर्च करें। अगला प्रश्न पे हम आते हैं, स्टडी ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? यह कई प्रकार के वैज्ञानिक व्यक्तिगत तकनीकों का संग्रह है, जिसमें आपको व्यक्तिगत सामाजिक तौर पर एक अग्रणी मानव बनाने की संपूर्ण क्षमता है। इसमें सिखाई जाने वाली विधियां आपको प्रश्न करने की आज़ादी देता है तथा उनका समाधान निकालने के लिए आपको तैयार करता है। आपको आपके सपने का इंसान बनाने की संपूर्ण ताकत इसमें समाहित है। ये विधियां आपको बारी बारी से सिखाए जाएंगे, जैसे पहला पढ़ाई तकनीक, दूसरा लिखाई तकनीक, तीसरा स्मरणीय याद करने की तकनीक, चौथा शेयरिंग तकनीक, पांचवा स्वतंत्र तकनीक, छठा उत्तरदायित्व तकनीक, सातवा विश्वसनीय तकनीक, आठवा आदर्शवादी तकनीक, नौवा वार्तालाप तकनीक, दसवा छात्र छाटन या पृथकीकरण तकनीक, 11 मानसिक तकनीक, 12 समिशन तकनीक। तो इस प्रकार के बहुत सारे इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ट्रेनिंग को शुरू करने
के पहले स्टूडेंट लाइफ का सबसे पेचीदा प्रश्न लेते हैं, हमें स्टडी क्यों करना चाहिए, हमें पढ़ना क्यों चाहिए। इसका जवाब मैं एक लघु दंत कथा से देना चाहूंगा। वो दंत कथा है कि जब बहुत समय पहले की बात है, जब अंग्रेज आए ही थे, उस वक्त एक गांव का बच्चा एक अंग्रेज की सेवा करने लगा। अंग्रेज खुश हुआ, उसे अपने साथ ले गया। बहुत वर्षों बाद वह बच्चा फिर गांव वापस आया। सभी लोग खुश थे। वह अब एक पूर्ण रंगरेज हो गया था, जिस पर अंग्रेजी रंग चढ़ गया था। वह अपना संपूर्ण कार्य खुद करता, क्योंकि वह या तो इशारे में बातें करता था अंग्रेजी में, या अंग्रेजी में। शायद वह अपनी भाषा भूल चुका था। एक बार उसकी दुर्घटना हुई, वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। एक दिन उसे हिचकी आने लगी और वह बाटर बाटर चिल्लाने लगा। चूंकि उस गांव में कोई अंग्रेजी जानता नहीं था, इसलिए सभी ने हमें इसे भूत प्रेत का चादर ओढ़ाकर भगत और पंडितों से अनुष्ठान करवाने लगे। बेचारा उस हिचकी के साथ प्राण त्याग दिया। अब बताइए, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, वह खुद या गांव के लोग? कुछ लोगों को लगेगा कि गांव के वालों के कारण बेचारे की मृत्यु हुई, पर यह संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि उसकी मृत्यु वहां की भाषा न जानने के कारण हुई तथा परंपराओं के पीछे भागने के कारण हुई। हमारे प्रश्न का जवाब इसी में घूम रहा है। हमें स्टडी करना अपने जीवन को कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में बनाए रखने के लिए करना चाहिए। शिक्षा केवल हमें आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। अतः हमें हर प्रकार से सुरक्षित होने के लिए पढ़ना चाहिए। केवल पैसा अगर आप के पढ़ने का मुद्दा है, तो आप बस इसके 10% कार्य भी नहीं समझ पाए। आज विश्व ग्लोबलाइजेशन हो गया है। आज हमारी आवश्यकता अपने देश से ज्यादा विदेशों से पूर्ति होती है। अतः उस वस्तु की जानकारी हमें उन्हीं की भाषा में अच्छी तरह प्राप्त होती है, इसलिए उनकी भाषा, उनकी संस्कृति हमें सीखनी होगी, वरना हर मोड़ पर हम धोखे खाएंगे। अब सीखने के लिए इतने माध्यम और इतनी मात्रा में ज्ञान है कि संपूर्ण जीवन में भी हम समुद्र के जलबूंद के बराबर भी नहीं सीख सकते। अतः हमें कुछ तरीके बदलने होंगे। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्टडी ट्रेनिंग के सेकेंड पार्ट में। आज हमने प्रश्न उठाया है, स्टडी ट्रेनिंग यानी स्टूडेंट ट्रेनिंग क्या है, यह क्यों जरूरी है। इसके जवाब की ओर चलते हैं। पिछली बार हमने साइकिल ट्रेनर देखा था, नासमझी की वजह से एक बच्चे की जान ले लिया था। तो आज स्टडी ट्रेनिंग या स्टूडेंट ट्रेनिंग क्या है, तो इस प्रश्न का जवाब बताने से पहले पिछले कहानी के प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि उसे साइकिल चलाना नहीं आता था। मेरा अगला सवाल है, क्यों नहीं आता था? क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया था, परंतु वह तो हर रोज सीखने जाता था। शायद वह सीखने से ज्यादा दिखने जाता था या दिखाने जाता था, कैसे कह सकते हैं। तो सुनिए, ट्रेनिंग के शुरुआत से चलते हैं। पहला दिन साइकिल ट्रेनर ने, चूंकि ओलंपिक विजेता था, अपना